इस बात को पुष्टि करवाना होगा और जो भी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई कराना होगा। ऑलरेडी जो क्वेश्चन पे क्लेम था वो रेज कर दिए थे, बट ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बीपीएससी सरसठवीं के पीटी का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट से जो बीपीएससी के छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, वो खुश नहीं थे और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और आपको बता दें आज सुबह से ही ये लोग बीपीएससी आयोग का घेराव करके बैठ गए। और देखिए आप जो बीपीएससी के जो छात्र हैं वो अभ्यर्थी हैं, अब देखिए किस तरीके से वो लोग लगातार अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें अब ये लोग सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए काफ़ी संख्या में जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आगे की ओर आप बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सुबह से ही ये लोग बीपीएससी कार्यालय के गेट पर खड़े थे। हालांकि जब इनकी बातें नहीं सुनी गई तब ये लोग आगे की ओर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग ये बताइए, कहाँ जा रहे हैं? सीएम ऑफिस जा रहे हैं। देखिए हम लोग ऑलरेडी जो क्वेश्चन पे क्लेम था वो रेज कर दिए थे, बट ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, मनमानी कर रहे हैं। अभी हमको बोर्ड से बीपीएससी से सीएम आवास जा रहे हैं। हाँ सीएम आवास, काफी किसी तरह से हमको संज्ञान देना है मुख्यमंत्री जी को, और वो जल्द से जल्द संज्ञान लें और जितना क्वेश्चन गलत है बीपीएससी का, 9 क्वेश्चन गलत है, उसको हटाकर हर कैटेगरी में कट ऑफ को कम किया जाए और रिजल्ट घोषित। देखिए काफी संख्या में जो छात्र और बीपीएससी के छात्र और जो छात्राएं हैं, देखिए किस तरीके से लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। देखिए अब सीएम आवास की तरफ ये लोग बढ़ रहे, कहाँ जा रहे हैं? गवर्नर सर के पास। क्या कर रहे हैं आप लोग, आगे की ओर बढ़ रहे, कहाँ जा रहे हैं? सीएम आवास का घेराव करना है। क्यों जा रहे हैं? अभी जो है आयोग इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी हम लोग को नहीं सुना है, और अभी आगे अब हम लोग को सीएम साहब से ही इस बात को पुष्टि करवाना होगा और जो भी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई कराना होगा। आप लोग की बातें नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा है। ये लोकतंत्र है क्या? ये और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बातें करेंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। देखिए किस तरीके से काफ़ी संख्या में जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए किस तरीके से लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि लगातार इनको प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो भी छात्र हैं बीपीएससी के, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, रुकने का नाम ले रहे हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी कार्यालय से अब ये लोग निकल चुके हैं और अब ये लोग सीएम आवास जा रहे हैं। देखिए अभी आपको हम देखिए सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। बंद करो, अभी जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा हम लोग का घेराव किया जा रहा है और हम लोग बातें नहीं सुनी जा रहे हैं। काफी तानाशाही आयोग के द्वारा किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अब जो बीपीएससी के जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, आपको बता दें कि आज सुबह से ही ये लोग बीपीएससी ऑफिस के गेट पर बैठे थे और सरकार को महाआंदोलन की चेतावनी भी दी थी। और लगातार बीपीएससी सरसठवीं के पीटी का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे। और देखिए सुबह से बीपीएससी कार्यालय के गेट पर बैठने के बाद अब जो छात्र हैं सीएम आवास की ओर बढ़ रहे। देखिए काफ़ी संख्या में बीपीएससी के छात्र और छात्राएं भी है, हालांकि प्रशासन इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्रशासन इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो रुक नहीं रहे, आगे की ओर बढ़ ही रहे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।